हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। आज की जो हमारी वैकेंसी आई हुई है ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर आई हुई है। बात करेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और ये कहाँ से हमारी वैकेंसी आई हुई है, क्या इसका एप्लीकेशन मोड रहने वाला है यानी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो हम इसकी पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो हमारी वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या आई हुई है कश्मीर की तरफ से। सो एडवर्टीजमेंट नोटिस यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट आई है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की है, टीचिंग असिस्टेंट की हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो ये काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई है, अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम इस जॉब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर आप के फ्रेंड्स या फिर कोई कज़िन है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उसका जो मेन सब्जेक्ट रहा है और उसमें उन्होंने PhD वगैरह की है, तो आप ये नोटिफिकेशन प्लीज उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम अपनी जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो हमारी पोजीशन रहने वाली है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसमें हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स उसमें होने जरूरी है। और इसके साथ साथ या तो हमारे पास PhD हो या फिर नेट सेट स्लेट, ये तीन एग्जाम हमारे पास हो, ठीक है। या तो अगर हमने नेट क्वालिफाई किया है तो वो भी चलेगा, और अगर हमारे पास नेट नहीं है और हमने PhD किया हुआ है तो वो भी चलने वाला है, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास कोई एक होना चाहिए। सो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन द ऑल रेस्पेक्ट्स शैल बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में अपना फॉर्म भरकर जो है वहाँ पर सबमिट करना होगा इस कॉलेज में यहाँ पे दिया गया हो। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो 21/7/2024 रहने वाली है। ये रही हमारी PDF। यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब आई हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जिस जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या आपके दिल का कुछ भी सब्जेक्ट हो किसी में से, तो आप ये PDF उनके पास भी सेंड कर सकते हो।